कश्मीर सबको आना चाहिए और ये सच में धरती का स्वर्ग है। फर्स्ट टाइम वी आर विजिटिंग कश्मीर, एक्चुअली आफ्टर द 370 रिमूवल वी आर फर्स्ट टाइम विजिटिंग, वी आर एंजॉयिंग वेरी मच, द हॉस्पिटैलिटी हियर इज अनएक्सपेक्टेड, वी डिडंट एक्सपेक्ट। वी शुड हैव कम हियर इन द ईयर 1984 बट ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस वी आर नॉट एबल टू कम हियर, बट वी आर फॉर्चुनेट टू बी हियर एंड दैट टू द इनॉग्रेशन डे ऑफ दिस फिलिप गार्डन एंड ऑल, वी आर रियली 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 लकी टू बी हियर एंड गिव एन इंटरव्यू लाइक दिस टू यू। Have a different opinion about Kashmir. Everything is changed. It's very, very, very cool and very nice place. Everyone should visit Kashmir. It is very Kashmiri people. Kashmiri people really like their hospitality. Hospitality is absolutely. And another thing is that the driving is so good. Every driver, you are amazed at the way in which they drive actually. They take care of everybody. Everybody. Yeah, beautiful. आप कहाँ से? जी गुजरात सूरत से। पहली बार कश्मीर आए? जी जी पहली बार। टूलिप गार्डन के बगैर कहाँ कहाँ घूमे? हम यहाँ पहले गए थे गुलमर्ग, फिर सोनमर्ग और अभी दो दिन से श्रीनगर में हैं और इसके बाद हम पहलगांव जाएंगे। कैसा लग रहा है टूलिप गार्डन में? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत यूनिक फील आ रहा है। जो ट्यूलिप का हमने हमारे यहाँ तो इतना कुछ देखा नहीं है, पर ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हमारा ये। क्या मैसेज देना चाहते हैं कश्मीरियों के लिए और उनके लिए जो यहाँ आना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं आए? जी मैं तो गुजरात से आया हूँ, तो गुजरात वालों को तो यही मैसेज दूंगा कि आप ज़रूर कश्मीर आए और एकदम रिलैक्स होकर इंजॉय करके यहाँ जाए, और बहुत ही बेस्ट जगह है, स्विट्ज़रलैंड से बेस्ट जगह है ये। थैंक यू। आपका नाम? खनक। किस क्लास में पढ़ते हो? 7th खत्म हो गया, अब 8th में। पहली बार आप भी कश्मीर आए? हाँ। अभी कहाँ पे हो आप? इस गार्डन का नाम मालूम है? ट्यूलिप गार्डन। ठीक, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा, कलरफुल है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कूल वाइब आ रही है, एकदम रिलैक्सिंग। घर जाके अपनी फ्रेंड्स को, अपने जो टीचर्स, उनको कहोगे कि हम कश्मीर गए थे, वहाँ पे घूमे थे, और उनको यहाँ के लिए आने के लिए कहोगे? उनको पहले से पता है कि हम कश्मीर जाने वाले, और ऑफ कोर्स मैं बोलूंगी कि वो लोग भी एक बार घूमना आए इधर। आपका नाम है? डिंपल। आप कहाँ से? मैं सूरत से। सूरत से। पहली बार आप भी कश्मीर आए? हाँ, मैं भी पहली बार आई। कैसा लग रहा है कश्मीर आकर? कश्मीर जन्नत है। जन्नत है, बहुत अच्छा लग रहा है कश्मीर। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं आए? जो डर है वो निकाल देना चाहिए, कश्मीरी जन्नत है और बहुत ही अच्छा है, एक बार जरूर आना चाहिए लाइफ में। कश्मीरियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? कश्मीरी भी बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों में भी, बहुत कश्मीरी बहुत वेलकम है, फ्रेंडली है और बहुत ही सपोर्टिंग रहा हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस, और बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छी वाइब्स लेके जा रहे हैं यहाँ से अभी। का नाम बताएं? मेरा नाम शिव्या है, हम पंजाब से आए हैं लुधियाना से। कैसा लग रहा है आपको कश्मीर? बहुत सुंदर है, ये हमारा 3rd टाइम है हम कश्मीर में आए हैं, बहुत देर बाद आए हैं लेकिन बहुत सुंदर है, इट्स रियली इनक्रेडिबल। आप अभी ट्यूलिप गार्डन में हैं, तो ट्यूलिप गार्डन कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत बड़ा है और बहुत सारी नेचर से हम मिल रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, इंजॉय कर रहे हैं हम अपनी फैमिली के साथ, हमारी पूरी फैमिली आई हुई है। बाकी फ्रेंड्स हैं उनके लिए आपकी क्या मैसेज? कि कश्मीर ज़रूर घूमें, ये सच में धरती का स्वर्ग ही है, सबको आना चाहिए एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि कश्मीर में अमन नहीं है, आप 3 बार कश्मीर आए तो कैसा लग रहा है आपको? तीनों बार ही बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी आगे से हुई है, हम पहलगांव गए, मतलब बहुत अच्छी नेचर है यहाँ की। कहाँ कहाँ गए कश्मीर? गुलमर्ग गए हैं, पहलगांव गए हैं अभी कल। सबसे ज़्यादा अच्छी जगह आपको कौन? पहलगांव बहुत सुंदर है, झरने वगैरह हमने देखे बहुत, आरू वैली गए हम, चंदनवाड़ी गए, बेताब वैली गए, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी फोटोज आई हैं, बहुत अच्छा लगा। कश्मीर के बारे में कुछ कहिए आप। कि कश्मीर सबको आना चाहिए और ये सच में धरती का स्वर्ग है।